Assalamu alaikum, dear students. This is the chapter number 5, Formulating the Research Design. इससे पहले हमने chapter number 4 में different research philosophies के बारे में और research approaches के बारे में जाना, जिसमें epistemology, ontology, positivism, realism, interpretivism, subjectivism, objectivism. उसके बाद हमने रिसर्च अप्रोचेस के बारे में जाना, डिडक्टिव अप्रोच और इंडिडक्टिव अप्रोच. आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च के हवाले से सीखने जा रहे हैं, जो कि 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कवर होगा. ये समझ ले कि ये रिसर्च टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं उनकी रिजेक्शन की वजह जो है वो रिसर्च डिज़ाइन होता है. लिहाजा रिसर्च डिज़ाइन को समझना और प्रॉपरली रिसर्च डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है फॉर सक्सेसफुल पब्लिकेशन ऑफ अ गुड रिसर्च पेपर एंड कंप्लीशन ऑफ द थीसिस एज वेल. रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च डिज़ाइन की अहमियत जो है वो बैकबोन की तरह की है. अगर ये इसमें कोई कमी रह गई, कोई बैग इसमें कोई सुकम रह गया, तो आपकी रिसर्च जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगी प्रॉपरली और फिर पब्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, रिजेक्शन रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. लिहाजा रिसर्च डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या है. रिसर्च डिज़ाइन फोकसेस अपॉन टर्निंग अ रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू अ रिसर्च प्रोजेक्ट. रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हम रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट की सूरत में देखते हैं, उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं. और जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं. इट कंसिडर्स रिसर्च स्ट्रेटजीज, रिसर्च चॉइसेस एंड टाइम हॉरिजॉन्स. ये 3 चीज़ें जो हैं वो रिसर्च डिज़ाइन में आती हैं और ये तीनों चीज़ें ही हम 1 by 1 देखेंगे और इनकी फिर सब हेडिंग्स जो हैं वो भी देखेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि रिसर्च डिज़ाइन में स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, रिसर्च चॉइसेस जो हैं वो क्या क्या हैं, और फिर टाइम हॉरिजॉन्स के लिहाज से रिसर्च जो है किस तरह से डिफरेंट हो जाती है. लिहाजा सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं रिसर्च स्ट्रेटजीज. ओके, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी डिस्प्ले की थी. ये देखिए, इसमें हमने रिसर्च फिलॉसफीज जो हैं वो पहले कवर कर ली हैं, पॉजिटिविज्म, रियलिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म प्रीवियस लेक्चर्स में. उसके बाद फिर हमने अप्रोचेस, डिडक्टिव इंडिडक्टिव अप्रोचेस जो हैं ये भी कवर की. आज हम ये 3 जो आप बोल्ड हेडिंग्स देख रहे हैं, स्ट्रेटजीज, चॉइसेस और टाइम हॉरिजॉन्स, रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से वो हम शुरू करने जा रहे हैं. रिसर्च स्ट्रेटजीज में आप देखें, एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, केस स्टडी है, रिसर्च एक्शन रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है और आर्काइवल रिसर्च है. आज हम स्ट्रेटजीज में सबसे पहले जो देखेंगे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है. एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सर्वे, फिर केस स्टडी एंड सो ऑन. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कस ऑन एक्सपेरिमेंट एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी विद रेफरेंस टू रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन नीड्स, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो देख लें पहले. रिसर्च डिज़ाइन नीड्स क्लियर ऑब्जेक्टिवस ड्राइव फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन. एक बात यहाँ पे मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी न्यू रिसर्चर्स हैं स्पेशली, वो जहन में बैठाएं एक बात कि रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च प्रॉब्लम, फिर सुनिए, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इनका आपस में रिलेशनशिप जो है एक सिमत में विद सेम सेंस जो है वो होना ज़रूरी है. अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट होंगे और रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट होंगे तो फिर भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी. अगर रिसर्च प्रॉब्लम डिफरेंट होगी, रिसर्च क्वेश्चन कुछ और होंगे और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होंगे, तो फिर भी आपको
रिसर्च के टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम रहेगी. सो हेयर द रिसर्च डिज़ाइन नीड्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन. यानी कि क्वेश्चंस की बेस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं. और जो क्वेश्चंस आप रिसर्च में लेके चलेंगे, अगर आप उन रिसर्च क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर तलाश कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएंगे. अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क हुआ तो जो रिसर्च क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब कुछ और आएंगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि कुछ और होंगे वो अचीव नहीं हो सकेंगे. लिहाजा प्रॉब्लम के मुताबिक, रिसर्च प्रॉब्लम के मुताबिक आप क्वेश्चन बनाइए सेंस को मद्देनजर रखते हुए, और उसके मुताबिक फिर ऑब्जेक्टिव डेवलप कीजिए. स्पेसिफाई सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन. फिर आपने डाटा कलेक्शन के सोर्सेज को डिफाइन करना है, कहाँ कहाँ से डाटा लिया जाएगा. प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, उसे तरीके कर क्या होगा, सैंपलिंग कहाँ से आएगी, पॉपुलेशन कितनी है, लाइक दैट. कंसीडर कंस्ट्रेंट्स एंड एथिकल इश्यूज, लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च क्या क्या हैं डाटा के हवाले से, एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन के हवाले से और इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने के हवाले से. और फिर एथिकल इश्यूज जो हैं, आपने जहाँ जहाँ से अप्रूवल्स लेनी है, जो रिस्पोंडेंट उनसे अप्रूवल लेनी है, किसी अदारे से अप्रूवल लेनी है, एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेनी है, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमने देखनी होती हैं और कवर करनी होती है. वैलिड रीजंस फॉर योर चॉइस ऑफ डिज़ाइन. फिर आपने लॉजिकली रैशनल देना होता है कि वाई आर यू चूजिंग दिस डिज़ाइन. आप एक रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर केस स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उसमें जो जुमला चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से वो हर एक का लॉजिकल डिफेंस और समटाइम्स रेफरेंस भी देना ज़रूरी है. अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये सुकम रह जाएंगे और आपकी रिसर्च डिज़ाइन की कमी की वजह से आपके रिसर्च टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं होंगे और फिर पब्लिकेशन में इशू आएंगे. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या है. एज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चंस, यू विल आल्सो बी थिंकिंग ऑफ द पर्पस ऑफ योर रिसर्च. एज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चंस, जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, यू विल आल्सो बी थिंकिंग ऑफ द पर्पस ऑफ योर रिसर्च. क्योंकि पर्पस और क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्वेश्चन जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आप एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते. अगर आप उनको अलग-अलग डिफरेंट सिमत में रखेंगे, उनका आपस में जो कोरिलेशन है वो नहीं होगा तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकेंगे. लिहाजा रिसर्च प्रोसेस जो है वो थिंकिंग अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चंस, यू विल आल्सो थिंकिंग ऑफ द पर्पस ऑफ योर रिसर्च. मकसद और उसके क्वेश्चन, इन दोनों का क्लियर होना और क्लैरिटी होना आपकी रिसर्च की सक्सेस की बुनियादी ज़रूरत है. ठीक है, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च पर्पस. क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च पर्पस, पर्पस के हवाले से अगर रिसर्च को क्लासिफाई करें तो क्या क्या होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पर्पस में नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एक्सप्लेनेटरी स्टडीज. ये 3 तरह की रिसर्च जो है वो अपने मकासद के लिहाज से डिफरेंट होती है और इनके 3 डिफरेंट नाम हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और एक्सप्लेनेटरी स्टडीज. इनकी डिटेल जो है हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे अभी कि इनसे क्या मुराद है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पर्पस नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है. एक्सप्लोरेटरी वर्ड निकला है एक्सप्लोर से, एक्सप्लोर करना, किस चीज़ को खोलना, देखना. जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर देखते हैं तो कोई नई चीज़ें सामने निकल के आती हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसी तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है. फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग टू क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग टू क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. इसका डिटेल जो है अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे.